अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, मिनी पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी है। बहुत ही छोटे छोटे से पिज़्ज़ा हैं, जो भी बच्चे भी बहुत खाने में पसंद करेंगे और बड़े भी। तो सबसे पहले हम पीटा, जो उसका जो ब्रेड होता है पिज़्ज़ा का ब्रेड, वो बनाएंगे सबसे पहले। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बाउल ले ली हूँ, उसके अंदर मैंने पौना कप पानी ले ली हूँ, पौना कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये ल्यूक वार्म वाटर है। उसके अंदर मैं सबसे पहले सॉल्ट ऐड कर दूँगी, फिर मैं सॉल्ट मैंने हाफ़ टी स्पून डाली हूँ, और 2 टीस्पून शुगर ऐड कर दूँगी, और मैं उसे स्पून से उसे मिक्स कर लूँगी ताकि वो मेल्ट हो जाए। और इसे ल्यूक वार्म वाटर में ही डालना है, क्योंकि जब तक गर्म पानी, गुनगुना गर्म पानी नहीं रहेगा तो हमारा ईस्ट जल्दी बनेगा नहीं, क्योंकि ईस्ट को कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा लगता है उसे राइस होने के लिए। और ये ईस्ट ली हूँ मैंने 2 टीस्पून, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो इसे भी हम अच्छी तरह से घुमा लेंगे ताकि ऊपर नीचे से मिक्स हो जाए ये। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से मिक्स हुआ हो चुका था। अब मैं इसे कोई भी लीड या उसका प्लेट रख के इसे ढककर इसे एक साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे हम चिकन टिक्का, मैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो उसके लिए चिकन टिक्के के लिए इसमें मैंने छोटे छोटे पीसेस ले ली हूँ चिकन के, और उसे अच्छी तरह से वॉश करी हूँ, और इसके छोटे छोटे से पीस बनाना है क्योंकि हमारा पिज़्ज़ा छोटा साइज़ का है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो ऑयल ले ली हूँ, और मैंने कढ़ाई में मैंने 2 से 3 टीस्पून भर के ऑयल डाल दी हूँ। तो सबसे पहले टिक्का बना लेंगे हम, और उसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ऑयल के अंदर ही। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तो मैं यहाँ पर चिकन के पीसेस डाल दूँगी, उसे भी अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट में वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमें छोटी छोटी साइज़ के क्यूब्स कट कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसे भी चला लेंगे। तो इसे चला ली हूँ मैंने, और अभी हम डाल देंगे चिल्ली फ्लेक्स, पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ये 3 चीज़ अभी ऐड हो जाएगी। फिर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर उसे मिक्स करने के बाद मैं फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, तो ये जो वाइट चिकन दिख रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो फूड कलर मैं हमेशा थोड़ा सा ऐड करती हूँ, तो चिकन पे थोड़ा अच्छा कलर आ जाता है। तो इसे भी चला लेंगे। तो मैंने इसे चला ली, अब मैं इसमें डाल दूंगी 3 से 4 टीस्पून दही। तो मैं दही डाल चुकी हूँ, मैंने इसे मिक्स भी कर ली अच्छी तरह से। स्लो फ्लेम पे से पकने के लिए छोड़ देंगे, और यहाँ पर हम बना लेंगे अपना पिज़्ज़े का ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 कप भर भर के मैंने मैदा ले लिया, ऑल पर्पज़ फ्लोर जो कि मैदा, और यहाँ पर मैंने घी को मेल्ट कर ली थी, 2 से 3 टीस्पून घी है ये, तो थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और अभी हम इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि घी हमारा अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मेरा मिक्स करके हो चुका था घी को, और देखिए हमारा जो मैंने राइस होने के लिए रख दी थी ईस्ट को, तो वो भी बहुत अच्छा उठ के आया है, ऊपर से फेस आ गया है। तो इसका मतलब यही है कि ईस्ट अच्छी क्वालिटी का। अभी मैं एक हाथ से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ, देखिए जो लम्स भी आ रहे हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। और इसका भी डो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट ही रहेगा, और हल्का हल्का सा पानी मिला के हम इसे गूंदेंगे आटे की तरह सेम। तो वहाँ पर देख लेते हैं चलिए कि हमारा चिकन का क्या हाल है। तो यहाँ चिकन रेडी हो चुका था, तो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा है, तो उसके अंदर कोल का स्मोक देना बहुत ज़रूरी है, एक अलग सा फ्लेवर भी आ जाता है। तो मैंने कोल को गर्म करके अभी भी एक छोटी सी कटोरी में डाल दी थी, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है उसके अंदर। अब तो अब हमें थोड़ा सा सॉस के ऊपर सॉस बनाने की तैयारी डाल दूंगी, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो ली हूँ टोमेटो सॉस, 3 मिर्ची सॉस और चिल्ली सॉस, ये तीनों सॉस इसके अंदर मिक्स है, 1/2 कप है ये। और यहाँ पर दूसरा है ये 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन है, उसको चॉप कर ली हूँ। यहाँ पर ओरिगैनो ले ली हूँ मैंने, और ये ऑयल है जिसमें हमने चिकन को फ्राई करे थे, वही सेम ही ऑयल है, हम वही यूज़ करेंगे।
और यहाँ पर ब्लैक पेपर और सॉल्ट है, और ये चिल्ली फ्लेक्स है, और यहाँ पर गार्लिक को मैंने चॉप कर ली बारीक, और यहाँ पे 4 से 5 टमाटर मैंने बड़े बड़े साइज़ के उसका पेस्ट बना के रख ली हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले ली हूँ, पैन के अंदर मैं ऑयल ऐड कर दूँगी, और यहाँ पर मैं फ्लेम को स्लो पे ही रखी हूँ, और हमारा ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें जो चॉप करा हुआ गार्लिक रखी थी वो मैंने ऐड कर दी हूँ इसमें। तो थोड़ा सा इसे लाइट ब्राउन कर लेना है, और लाइट ब्राउन हो भी चुका है, तो इसी में मैं जो कांदा कट करके रखी थी चॉप करके वो भी ऐड कर देंगे, और इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि इसका भी कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसे चला लूँगी मैं। तो यहाँ पर कांदा और गार्लिक दोनों चीज़ अच्छे से पक चुके, तो ये कांदा और वो भुन चुका था, तो मैंने इसमें टोमेटो का पेस्ट ऐड कर दी, और अभी इसे स्पून से मैं चला लूँगी। तो अभी साथ ही में हम इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट दोनों चीज़ ऐड कर देंगे, और फिर हम इसमें ओरिगेनो भी ऐड कर दूंगी मैं, और चिल्ली फ्लेक्स भी डाल दूंगी इसमें। और जो मैंने सॉस, 3 सॉस इसमें मिक्स करके रखी थी वो भी इसमें चला जाएगा, और अब इसे चला लेंगे अच्छी तरह से। बस अभी इसे हमें थिक करने तक इसे स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है, तो अभी ये पकते रहेगी, और जब तक के लिए हम अपना जो ब्रेड है उसको देख लेते हैं, क्योंकि राइज होने के लिए उसे थोड़ा टाइम के लिए रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखे ये हमारा आटा जो बन मल के रखे थे वो, उसे मैं थोड़े से और पंच मार दूँगी, और देखिए बस इतना सॉफ्ट हमें रखना है। राइस हो गया था थोड़ा सा आटा हमारा, तो बस अभी मैंने बड़ा पेड़ा ली, तो अभी इसे रोटी के जैसा हमें इसे बेल लेंगे, बड़ी रोटी के साइज़ में। तो देखिए इस तरीके की मैंने बड़ी रोटी को बेल ली हूँ। अब मैं कटर का साइज़ का, या कोई भी आपको जैसे छोटा कटोरी होती, या कोई भी जो मीडियम साइज़ की रहे उसका शेप देने के लिए मैं इसमें से दो इसे शेप निकाल लूँगी इसकी दबा के इसे। तो ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, और जो बाकी का एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल के वापस से उसके पेड़े बना लेंगे, लोई बना लेंगे, फिर वापस से रोटी बेलेंगे हम। तो इसी तरह से हमें सारे आटे का ऐसा ही इसी यही साइज़ का बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ओवन की ट्रे पे बेकिंग पेपर और 6 पीस इसके रख चुकी थी। तो यहाँ पर हम अपने उंगलियों की मदद से इस तरह से राउंड शेप बना देंगे ताकि वो थोड़ा सा गहराई हो जाए, और सेंटर पोर्शन में हम पास पिज़्ज़ा का सॉस लगा दे जो अभी अभी पक रहा है हमारा बारीक फ्लेम पे। तो यहाँ पर ओवन में मैं रखूँगी, ओवन में मैंने 220 डिग्री पे 12 मिनट के लिए रखी थी। तो आप वैसे भी बीच बीच में देखते रहिए कि ताकि वो ज़्यादा उसका बेस जो है वो हार्ड ना हो जाए। तो अब सारे रेडी हो चुके थे, और सबके सेंटर में मैं जो हमारा पिज़्ज़ा का सॉस भी रेडी हो गया था, अच्छा थिक हो गया है, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। तो इतना ही थिक करना है हमें। अब मैं सारों सारे पिज़्ज़ा के सेंटर में इसे डाल दूँगी, फिर उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस मैंने स्प्रेड कर चुकी हूँ। तो पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करने के बाद अभी चिकन टिक्का का जो पीसेस है वो रखूँगी मैं, एक एक इसमें 5 to 6 पीसेस रखूँगी, या जैसे साइज़ रहेगा उस हिसाब से। बड़ी बूटी है तो हम जितना आपको रखना है छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ही रखिए, क्योंकि पिज़्ज़े का साइज़ छोटा है। तो सब पिज़्ज़ा के बेस में हो गया। यहाँ पे मैंने टोमेटो, ऑनियन और कैप्सिकम कट करके रखी हूँ, अब मैं और मैंने चीज़ को भी ग्रेट कर ली हूँ। अब इसमें भी सारे
चार चार पाँच पाँच पीस सब चीज़ों के रख देंगे हम। टमाटो का रखेंगे अभी, उसके बाद हम कैप्सिकम रखेंगे। अभी कैप्सिकम के पीसेस रख देंगे। तो अब सारी चीज़ें रख के हो गई है, तो इस अभी हम चीज़ ऐड कर देंगे इसमें। तो चीज़ तो जितनी हो सके उतनी डालिए, उतना ही टेस्टी पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर हमारे पिज़्ज़ा ओवन में बेक होने के लिए रेडी है। तो मैंने इसे प्री हीट करने के लिए रख दी थी 180 डिग्री पे, पर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूँगी 220 डिग्री पे, 12 मिनट्स के लिए रखूँगी जैसा मैंने पहले बताया आपको। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा यहाँ पर रेडी हो गया है, और कितने अच्छे पिज़्ज़ा बने देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा जैसे बाहर गए। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे बताइए ज़रूर, और ट्राई करिएगा अपने घर पे इसी रमज़ान में। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।